नमस्ते, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नई अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। जैसा कि आप लंबे समय से वेट कर रहे थे कि असाइनमेंट कब रिलीज होंगे और यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आप सभी लोगों तक अपडेट शायद पहुंचाई गई होगी कि दिसंबर एंड तक डेट रिलीज कर दी जाएगी, तो यूनिवर्सिटी ने दिसंबर मिड में ही आपकी ऑनलाइन असाइनमेंट जो प्रक्रिया आप चलेगी आपकी बैक असाइनमेंट की भी और मेन असाइनमेंट की भी, बहुत सारे प्रोग्राम निशुल्क उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत रन किए जाते हैं। यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, तो इन सभी की असाइनमेंट प्रक्रिया चलेगी और इसके लिए ऑनलाइन शेड्यूल है आपका, जो ऑनलाइन असाइनमेंट डे शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है आधिकारिक वेबसाइट में। जानकारी के लिए मैं आपको गौरतलब बता दूं कि आपकी जो ऑनलाइन असाइनमेंट है 20 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। सो विद इन 24 आवर्स जो पर्टिकुलर डे शेड्यूल विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऑनलाइन असाइनमेंट का रिलीज किया गया है, इसमें आप कभी भी घर बैठे एनी टाइम एनी वेयर अपने असाइनमेंट दे सकते हैं। यानी जो डे शीट जारी किया गया है 20 दिसंबर 2022 से, साथ ही में जो अंतिम तिथि अभी फिलहाल करंट बताई गई है ऑनलाइन असाइनमेंट आपके सबमिशन करने की, वो आपकी डेट बताई गई है 31 जनवरी 2023। सो अनसर्टेनली यूनिवर्सिटी के द्वारा कभी भी कोई भी अपडेट्स जारी की जाती है तो ईच वन ऑफ टाइम पीरियड पर सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रदर्शित कर दी जाती है। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं ईच वन ऑफ टाइम पीरियड पर हर एक अपडेट उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संबंध में आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। सो बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राहुल रावत 2.0। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। जिन भी कैंडिडेट्स को नहीं पता है हमारा अनदर चैनल राहुल रावत 2.0 भी है, आप सभी लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अपकमिंग जो वीडियोज है इंटरेस्टिंग आपके एग्जामिनेशन असाइनमेंट संबंधी, तो उस वाले चैनल पर भी आपको पर्टिकुलर वो रेगुलर अपडेट देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऑनलाइन असाइनमेंट प्रक्रिया जो चलेगी वो किन छात्र छात्राओं की चलेगी, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना जनवरी 2022 एनुअल सेशन में अपना एनरोल करा था, विंटर सेशन प्रोग्राम था बीए बीएससी बीकॉम, तो उन सभी छात्रों के ऑनलाइन असाइनमेंट ये चलेंगे। साथ ही में सभी कोर्सेज के सेमेस्टर मोड में अगर आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं, आपका बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीटीटीएम हो गया, एमटीटीएम हो गया, मास्टर प्रोग्राम निशुल्क में सेमेस्टर मोड के जितने सारे प्रोग्राम विश्वविद्यालय के अंतर्गत रन किए जाते हैं, आपके बीएड हो गया और बाकी आपका यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, इन सभी के ऑनलाइन असाइनमेंट डेट रिलीज कर दी गई है। और ये सारे असाइनमेंट आपके बैक के भी सबमिट होंगे, सेम डेट है मेन के भी और बैक के भी, तो स्टूडेंटों के माइंड में अगेन एंड अगेन बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि बैक के लिए अलग से डेट शीट जारी की जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बैक के असाइनमेंट भी मेन असाइनमेंट के साथ ही सबमिट होंगे, बस आपको लॉग इन करके सब्जेक्ट चूज करना होता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन असाइनमेंट डे शेड्यूल चेकआउट करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.uu.ac.in पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ऑनलाइन असाइनमेंट शेड्यूल फॉर ईयरली जनवरी 2022 सेमेस्टर, साथ ही में सितंबर 2022 सेशन के लिए देखने को मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट में। साथ ही में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने सभी छात्र छात्राओं की सुविधाओं को देखते हुए ऑनलाइन असाइनमेंट प्रक्रिया जारी करी हुई है। 13 दिसंबर 2022 को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। शीतकालीन परीक्षा 2022 सत्र 2022 जिन भी स्टूडेंटों का था एनुअल मोड में शीतकालीन, साथ ही में सत्र 2022-2023 में सेमेस्टर प्रणालियों के सत्र कार्य बैक छात्रों के लिए भी है, और मेन के जो स्टूडेंट हैं यानी आपका रेगुलर कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं एनुअल वाले भी आ जाएंगे, बैक वाले भी आ जाएंगे, मेन वाले भी आ जाएंगे, सेमेस्टर वाले भी आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो इंस्टाग्राम उत्तराखंड ओपन है मेरा, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी छात्रों के विषयवार ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए लिंक जारी किए जाने के लिए विवरण दिया गया है। लिंक आपका 20 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो जाएगा और आपके पास पूरा मान के चलिए जनवरी महीना है, और उसके बावजूद भी दिसंबर में आपके 10 दिन दिया गया है, तो एक महीने का पूरा समय है प्लस आपको एक्स्ट्रा 10 दिन दिए गए हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आप इस पूरे 40 दिनों के अंतर्गत अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और 24 आवर्स ये वैलिड रहेगा आपके पास। जब भी फ्री टाइम है, एनी वेयर एनी टाइम, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, फ्री टाइम है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो अगर आपने पढ़ाई करी हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो ऑनलाइन असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करें इसमें शेड्यूल की, तो शेड्यूल दिया गया है, आप कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हैं और इसकी जो वीडियो है वो हमारे ऑफिशियल चैनल पर ही, जो अनदर चैनल है राहुल डावर 2.0 अनऑफिशियल तौर पर अभी जो हम रन कर रहे हैं तो उसी में ही देखने को मिलेगी। और इसका जो कंपटीशन एनालिसिस है ये भी हम करेंगे और प्रोग्राम दिए गए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम कोड के बारे में बता दूँ, प्रोग्राम कोड मेंशन किए गए हैं, ईयर सेमेस्टर दिया गया है, स्टूडेंट कितने इनरोल्ड हैं वो दिया गया है, सीरियल नंबर दिए गए हैं। और तो इसी में अगर मैं बात करूँ BA 2016 प्रोग्राम में ईयर सेमेस्टर सेकेंड है, 1 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, आई थिंक वो बैक के ही होंगे। और इसी तरीके से BA 17 में भी इनरोल्ड हैं, सेकेंड ईयर है तो 2779 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। पूरा शेड्यूल दिया गया है, BA हो गया आपका, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ज्योग्राफी हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ योगा हो गया, BAY हो गया, BBA प्रोग्राम हो गया, BCA हो गया आपका, मास्टर ऑफ जियो ज्योग्राफी हो गया और मास्टर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, होम साइंस है एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा बीएड स्पेशल के हैं, बीकॉम है एंड बीएड स्पेशल है एंड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, BSc है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन JMC, MA JMC, मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है आपका एंड MA JY है, मास्टर ऑफ ज्योतिषी है, MA MT है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है आपका, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी है आपका, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश लिटरेचर है, मास्टर ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स है, BTTM है, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो सभी कोर्सेज हैं इसमें, मेनली आपको UGPG के देखने को मिलेंगे। मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एंड मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी है, मास्टर ऑफ संस्कृत लिटरेचर है, MAS तो है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी एंड MAY, मास्टर ऑफ योगा 2016, MAY 2017, MAY 20, MAY 20। और उसके बावजूद आपके पूरे ये, अगर प्रोग्राम की बात करूँ, 284 प्रोग्राम की जानकारी इसमें दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिया गया है, MSc MT है। तो टोटल आप प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हैं, MSc बॉटनी है, केमिस्ट्री है, MSW है, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ IT है इसमें, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस MSc है इसमें, और MTTM है 2021, मास्टर ऑफ जूलॉजी है, मोस्टली सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरूर चेकआउट करें, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें भी हम रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में ऑनलाइन सत्र कार्य केवल शीतकालीन परीक्षा 2022 सत्र 2022 शीतकालीन सत्र 2022-2023 सेमेस्टर प्रणाली व सत्र कार्य बैक के छात्रों के लिए ही हो रहे हैं, मेन के भी होंगे बैक के भी होंगे, ठीक है। बैक के लिए अलग से डेट शीट नहीं जारी की जाएगी आपके लिए। छात्र ऊपर दी गई तिथि व विषय के अनुसार www.uu.ac.in पर ही ऑनलाइन माध्यम से सत्र कार्यों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, आपके ये MCQ टाइप ही आएंगे ऑनलाइन असाइनमेंट, ठीक है। अब और परीक्षार्थी द्वारा एक विषय हेतु दो प्रयास दिए जाएंगे, जैसा कि पहले भी दिया जाता है, सत्र कार्यों को हल किया जा सकता है, जिस प्रयास में अंक अधिक होंगे वही आपके मार्क्स आपकी मार्कशीट में ऐड ऑन होंगे। यह भी विदित है कि सत्र 2021-2022 में प्रथम सेमेस्टर के सत्र कार्यों का मूल्यांकन 30 मार्क्स से होना है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई थी 2020 से, और उसके बावजूद 2021-2022 से जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, जो नए मास्टर कोर्सेज में इनरोल्ड हुए थे या बैचलर डिग्री कोर्सेज में इनरोल्ड हुए थे, उसके उन सभी स्टूडेंटों के उसके बाद से 30 मार्क्स के ही असाइनमेंट उनको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले ही क्लियर कर दिया है विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जनवरी 2022 में जिन भी कैंडिडेट्स ने बीए बीएससी बीकॉम अपना एनुअल प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाया है या इनरोल्ड करा है, विंटर सेशन जिसे हम कह सकते हैं एनुअल मोड में, तो उन सभी छात्र छात्राओं के ऑनलाइन असाइनमेंट की डेट विश्वविद्यालय के अंतर्गत रिलीज कर दी गई है। आप सभी के असाइनमेंट 20 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2023 तक चलेंगे, ऑनलाइन माध्यम में ही आयोजित किए जाएंगे। किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, एनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ से उसका प्रोसेस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, आपका पासिंग मार्क्स क्या है असाइनमेंट में, उन सभी की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप जरूर एक बार चेकआउट करें, आपके लिए काफी हेल्पफुल वो साबित होगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं, तो एक बार आप जरूर हमारी वीडियोस चेक करें, उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है। आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन उन सभी प्रश्नों के आंसर आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करें, उन सभी वीडियोस में मेंशन किया गया है किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है।
So guys, that's end of the video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to the channel for more future video. In fact, let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care and thank you. Thank you for watching this video.